फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाते हैं आलू धनिया की टेस्टी सब्जी। दो सौ पचास ग्राम ताज़ा हरा धनिया लेते हैं और इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। धनिया का पेस्ट तैयार है। हाफ के जी आलू लेते हैं, उसे अच्छी तरीके से धुल के हम उबाल लेते हैं। उबाल कर उसकी स्किन निकाल लेते हैं और उसके पीसेज काट लेते हैं। पैन में लगभग 4 टीस्पून ऑयल ले लिया और उसे गरम कर लेते हैं। गरम होने के बाद उसमें हम एक चम्मच मेथी दाना डाल देते हैं। मेथी दाना लाल हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं धनिया का पेस्ट। अब इसे चला देते हैं और इसमें मसाले डालते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें हम लगभग आधा चम्मच लाल पिसा मिर्चा डालेंगे और साथ में स्वाद के हिसाब से लगभग 1 टीस्पून नमक मिलाकर इसको चला देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। इसको हम तब तक ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक कि ये पक ना जाए और तेल ये सेपरेट ना करने लग जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, तेल सेपरेट होने लग गया है, इसका पानी भी सूख चुका है। अब इसमें हम कटे हुए उबले हुए आलू को ऐड कर देते हैं। ये है उबले हुए आलू की पीसेज। इसको हम धीरे धीरे डालते हैं ताकि ये फूटने ना पाए। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देते हैं ताकि धनिया का पेस्ट और आलू मिक्स हो जाए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, जलने ना पाए इसलिए लो फ्लेम पे ऐसे ही चलाते रहेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए लिड लगाकर इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि धनिया का पेस्ट और आलू एब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट हो गया है, अब हम लिड हटाते हैं, इसको अच्छी तरीके से चलाकर देखते हैं। तो देखिए, लगभग ये तैयार हो चुका है, नीचे लगने लग गया है। इसलिए अब अच्छी तरीके से मिक्स करके हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, आलू धनिया की सब्जी रेडी है, चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही कमेंट लिखना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे करना मत भूलिएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।